कर लीजिए। मानता खाने शुरू कर दिए है। टमाटर चटनी और छिलका रोटी। और द टीचर आ गया। ममता कैसा टेस्टी है ममता? करीना इधर बना रही है ताजा ताजा। क्या चीज का है बता दीजिए थोड़ा। उड़द और चावल। हाँ ये वाला ठीक है, वाला थोड़ा जल गया था ना। और ऐसा कुछ सजाई है काल वाला। हम तो और मांग रही है दादी माँ तो चल दिलक। बाबू भी खाने शुरू कर दिया अभी तो। बाबू स्कूल नहीं जाना है? स्कूल जाओगे? नहीं जाएगा, कल ही थक गया बाबू जाके। कल जाके आया फिर और नहीं जाऊंगा बोल रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे और मस्त होंगे। तो अभी सुबह सुबह करीना नाश्ता बना रही है। नमस्कार दोस्तों। तो छिलका रोटी, छिलका रोटी चावल और उड़द का है। और इधर बनाना शुरू भी कर दिया है गर्मा गर्म। और सब्जी में है टमाटर चटनी, इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और दोस्तों सबसे बड़ी दीदी आई है, इसलिए हम लोग आज छिलका रोटी नाश्ता में बना रहे हैं। लीजिए तो मिलवा दीजिए आप ही। तो देखिए इसका दो दीदी को तो देख लिए हैं। तीन। तो सुबह सुबह नाश्ता के लिए छिलका रोटी बहुत अच्छा लगता है ना करना। और बाबू साहब का भी फरमाइश था कि छिलका रोटी बनाइए टमाटर का चटनी, तो बना रहे हैं और बहुत पसंद से खा रहे होंगे ना बाबू। टेस्टी लग रहा है। सरिया सरिया नमस्ते। तो दोस्तों कैमरा के आगे आने से शुरू शुरू तो हर कोई शर्माता है और क्या बोलेंगे क्या नहीं जैसा लगता है। तो पहली बार आज कैमरा में आए हैं तो मेरा शैडो देखेंगे तो पता नहीं क्या बोलेंगे, उसको भी दिखा देंगे वीडियो। हाँ बाबू खा लिया। क्या कर रहा है? बाबू का पेट भर गया लगता है। तो अभी तो खाने जितना हो गया है इतना ही बनाया कि अभी खा लेते हैं एक दो। तो दोस्तों आप तो नाश्ता कर लेते हैं, बन गया है। कर लीजिए। तो मेरा भी इधर रखा हुआ है। बाबू और इधर देख रहा है वीडियो। इतना छोड़ा है ममता तो गई स्कूल। कैसा है? पूरा नरम नरम है ना? तो दोस्तों खाना उना तो खा लिया, बहुत टेस्टी लगा। और अभी काम है दूध निकालना, तो वो भी करना है, उसके बाद मिलते हैं। करीना तो अभी खाइए। तो खाना उना नाश्ता पानी सब कुछ कर लिए हैं। बाबू और करीना छोड़ने गई है अपनी दीदी को गाड़ी रास्ता तक। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, वो सबका वेट कर रहा हूँ, जाएंगे कहीं अभी पारी तरफ। तो दोस्तों और एक बात और रह गया है कि मैं रोज एक ही टी शर्ट क्यों पहनता हूँ। तो दोस्तों कई सारे दोस्त का भी कमेंट आया हुआ था कि एक टी शर्ट ले लीजिए बोल के। दोनों चैनल में सेम ऐसा ही कमेंट आया है, शायद एक ही दोस्त किए होंगे कि पता नहीं, इतना ध्यान से भी नहीं देखा हूँ। तो दोस्तों ये एक ही शर्ट है, एक ही जैसा,
2-3 साठ है। पिछला एक साल का वीडियो में शायद बताया हूँ, रोज देख रहे हैं वो सब तो पता ही है। तो ये देखिए एक शर्ट ऐसा ही है और सेम टू सेम वैसा ही है, सेम लिखा हुआ है सब कुछ देखिए। तो और एक है पता नहीं किधर रखी होगी करीना, तो इसी को चेंज करके पहनता हूँ। तो 2-3 एक ही जैसा लिया था मैं घर में पहनने के लिए, बहुत मजबूत है अभी तो चलेगा अभी, और मोटा भी है ठीक ठाक और खुला भी है तो हवा बढ़िया से लगता है गर्मी में ही, बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए एक को धोता हूँ एक को पहनता हूँ, ऐसा कुछ होता है तो इसीलिए एक ही जैसा लगता है दोस्तों, चेंज तो करता हूँ कपड़ा। तो यही कुछ आज का वीडियो था दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो ऐसा ही ड्रेस का मेरा 3 है सर, तो एक तो दिखा दिया आप लोगों को, एक पता नहीं किधर रखी है करीना, तो इसीलिए लगता है कि एक ही शर्ट है जैसा। और ये देखे पैंट भी एक ही जैसा लिया था मैं, सिलवाया था कपड़ा लेके, तो एक ही जैसा तीनों सेट था। तो एक तो पैंट तो फट गया है और एक है, दो फट गया शायद, दो तो एक अच्छा नहीं था तो उसको नहीं पहनता हूँ, दो था तो एक तो फट गया है, अभी फटने ही वाला है। लेकिन ये टी शर्ट तो बहुत बढ़िया है, अभी नहीं फटेगा, मोटा भी है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।